हेलो गाइज, आपके अपने चैनल सिनेमा के स्टोकर में आपका स्वागत है। सो गाइज, हम इस वीडियो में बात करेंगे HFCL लिमिटेड जो कि जबरदस्त कंडीशन में है गाइज, क्योंकि जब से इसका प्राइस जो कि करीब करीब जो कि 20 रुपए के आसपास हुआ करता था, तब से मैं गाइज इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। गाइज ले लीजिए, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और आज जैसे 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 करके करीब करीब ये 3 गुना इसका प्राइस ऑलरेडी हो चुका है HFCL की बात करें, और अभी काफ़ी उड़ान भरनी अभी बाकी है HFCL की। एक बड़ी न्यूज़ जो कि ऑफकोर्स जो कि 3-4 दिन पहले की न्यूज़ है, एक बड़ी न्यूज़ अनाउंस हुई है HFCL की तरफ से, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आज की हाई की बात करें 68.80 रुपये इसका आज का ईयर, लो की बात करें 66.75 रुपये इसका आज का लो है, बावन की हाई की बात करें 72.70 रुपये तक जो कि जा चुका है। एंड अगर बात करें इसकी जो कि अभी जो कि कंडीशन ये है कि दोबारा से इसका नया 52वीं हाई जो कि आपको देखने को मिलेगा कुछ ही टाइम में। 52वीं हाई लो की बात करें 11.30 रुपये इसका 52वीं लो है। मैक्सिमम की बात कर लेते हैं गाइस, तो मैक्सिमम की बात करें तो करीब करीब जो कि 2150 रुपये के आसपास का शेयर हुआ करता था मार्च 2000 में, और आज गाइस कहाँ 2150 रुपये और कहाँ 67 रुपये, जो कि कंडीशन काफ़ी सिमिलर है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें अभी इसमें जो कि पॉजिटिव ऑलरेडी हो चुकी हैं, पॉजिटिव होनी बाकी हैं, काफ़ी जो कि इसने ऑफकोर्स जो कि टेंडर बिड किया है या फिर PLI स्कीम की बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। इसके सबसे पहले एनालिसिस की बात कर लेते हैं, तो गाइज अगर बात करें इसकी स्ट्रेंथ की, तो गाइज स्ट्रेंथ से भरा हुआ शेयर नज़र आ रहा है, 12 स्ट्रेंथ है। तो राइजिंग नेट कैश फ्लो एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बुलिश रिवर्सल, गुड क्वार्टरली ग्रोथ इन रिसेंट रिजल्ट्स, ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर, कंपनी विथ लो डेब्ट। सो गाइज कंपनी के ऊपर डेब्ट है वो काफ़ी लो है। इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 4 quarters, इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 4 quarters, एनुअल नेट प्रॉफिट्स इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 years, बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 years। फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पर होल्डिंग इंक्रीज हुई है, स्टॉक गेन मोर देन 20% इन 1 month, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, प्राइस अबाउट शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें इसकी वीकनेस की, लो पाइट्रोस की स्कोर्स, कंपनीज विद वीक फाइनेंशियल, कंपनीज विद हाई प्रोमोटर प्लेज। अगर बात करें इसकी अपॉर्चुनिटीज की, एक अपॉर्चुनिटीज भी है हाइएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52-वीक लो। एंड अगर बात करें थ्रेट की, तो इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम। सो गाइज एक ही थ्रेट इसमें नजर आ रहा है। एंड आज की बात करें तो गाइज काफ़ी दोबारा से एक मोटी बाइंग स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं 3 दिन इसमें जो कि एक ऑफकोर्स जो कि एक यहाँ पर चीज़ आपको देखने को मिलेगी, 3 दिन यहाँ पर एक मोटी बाइंग होती है, 1 दिन सेलिंग होती है। यहाँ पर भी अगर यहाँ पर फिर दोबारा से 3 दिन मोटी बाइंग हुई है, इट मीन्स कि हो सकता है कि यहाँ पर कल भी आपको एक बड़ी बाइंग देखने को मिले। सो गाइज अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें इसके अलावा, अगर इसके सेंटिमेंट की बात करें तो सेंटिमेंट इसका काफ़ी बेटर है, 85% बाय का, 10% सेल और 5% होल्ड करने का सेंटिमेंट इसमें नजर आ रहा है। एंड इसके अलावा अगर बात करें इसके जो कि एट प्रेजेंट जो कंडीशन की बात करें तो कंडीशन काफ़ी बेटर है, इवन जो कि डिविडेंड भी अनाउंस किया था वो भी डिस्कस करेंगे। एंड इसके अगर रिजल्ट की बात करें, फाइनेंशियल की बात करें, तो फाइनेंशियल आप देख सकते हैं या मार्च क्वार्टर में जो कि काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी इवन जो कि इक्वलेंट है, इवन अगर कंपेरिजन करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट अगर बात करें ईयर ऑन ईयर एक बड़ा जंप आपको देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो अर्निंग पर शेयर की बात करें तो एक अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट जो कि अर्न किया है। एंड नेट इसके अलावा अगर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग जो कि 42.05% होल्डिंग है, पब्लिक होल्डिंग की बात करें 55.7% होल्डिंग है। अगर बात करें फॉरेन इन्वेस्टर्स की, 2.18% होल्डिंग यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स की नज़र आ रही है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पर होल्डिंग जो कि मार्च क्वार्टर में इंक्रीज हुई है, फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो होल्डिंग यहाँ पर भी इंक्रीज हुई है। सो गाइज काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पॉजिटिव हैं। न्यूज़ पर चलते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है। एक तो ये कि एक हफ्ते में 37% इसने जंप किया था, जो कि एक नया 52वीं हाई भी सेट किया था जो कि 72 रुपये के आसपास। ऑफकोर्स काफ़ी बड़ा उछाल इसमें देखने को मिल रहा है HFCL में, तो काफ़ी ज़बरदस्त अभी ऑफकोर्स हो रहा है अगर बात करें HFCL की। इसके अलावा अगर बात करें PLI स्कीम की, तो ऑफकोर्स PLI स्कीम के लिए जो कि पार्टिसिपेट किया है, अगर बात करें इसके अलावा जो कंपनी की, तो नोकिया ने भी PLI स्कीम के लिए पार्टिसिपेट किया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें जो कि ऑफकोर्स जो कि PLI स्कीम वाला, तो HFCL टू पार्टिसिपेट इन PLI फॉर टेलीकॉम नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग। सो गाइस जैसे ही ये यहाँ पर PLI स्कीम के लिए एलिजिबल होगा, एक बड़ा जंप ऑफकोर्स देखने को मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि इसका जो कि रेवेन्यू
काफ़ी इंक्रीज होगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इसकी काफ़ी पड़ेगी। तो गाइज ऑफकोर्स ये काफ़ी इफेक्टिव होगा अगर यहाँ पर एक जो कि चांस मिलता है तो HFCL अर्न मार्क्स ₹200 करोड़ एज कैपेक्स टू टैप इनटू 5G मार्केट रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के जो कि एक वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताया था ये चीज़ें, ये अनाउंसमेंट मैंने बताई थी आपको। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें, एक बड़ी न्यूज़ है कि BSNL का जो टेंडर है उसको उसके लिए वो टेंडर सबमिट किया है HFCL ने। तो गाइस इसके अलावा HFCL L&T टेक महिंद्रा है सबमिटेड देयर बिड विथ मुंबई बेस्ड पेट्रोल फॉर कोर टेक्नोलॉजी एंड US बेस्ड मेवनीर फॉर रेडियो। सो गाइज यहाँ पर जो कि L&T, अगर L&T और उस HFCL की बात करें तो हैव सबमिटेड देयर पिट विद मुंबई बेस्ड पेट्रोल फॉर कोर टेक्नोलॉजी एंड US बेस्ड मेवनीर फॉर रेडियो। टेक महिंद्रा है सबमिटेड पिट फॉर विद स्टेलाइट फॉर रेडियो एंड पेट्रोल फॉर कोर टेक्नोलॉजी। सो गाइज यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ ये निकल के आ रही है जो कि 24 जून, इट मीन्स की लास्ट वीक ही ये न्यूज़ निकल के आई है HFCL की तरफ से। एंड ऑफकोर्स अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें जो कि नोकिया HFCL अमंग 25 कंपनीज रजिस्टर अंडर PLI स्कीम फॉर टेलीकॉम सेक्टर। सो गाइज 21 जून की ये न्यूज़ है, ऑफकोर्स काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है। जैसे ही एलिजिबिलिटी मिलती है एक बड़ा जंप इसमें देखने को मिलेगा। एंड ऑफकोर्स अगर बात करें क्वालकॉम की तो एक बड़ी पार्टनरशिप हुई थी जो कि ऑफकोर्स एक जो वाईफाई 6 के लिए एक बड़ी पार्टनरशिप हुई थी, और क्वालकॉम जैसी कंपनी जो कि हर कोई जानता है एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, उसके साथ पार्टनरशिप करना, उसके साथ कोलैबोरेशन, इट मींस कि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पॉजिटिव होनी बाकी हैं। और उसका उसके साथ रेवेन्यू का भी डिस्कस किया था एक वीडियो के थ्रू, मैंने आपको पूरी डिटेल में ये चीज़ें बताई थी जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें इसकी जो कि डिविडेंड की, तो डिविडेंड भी है ना जो कि ऑफकोर्स रिकमेंड कर चुका है वो भी देख लेते हैं। सो गाइज डिविडेंड पर चलते हैं, डिविडेंड पर चले तो गाइज ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंसिडरेशन एंड रिकमेंडेशन जो कि डिविडेंड की, जो कि 15 पैसे पर इक्विटी शेयर यहाँ पर जो कि डिविडेंड जो कि रिकमेंड किया गया है, कंसिडर किया गया है। और जैसे ही AGM होती है उसमें जो कि कंफर्मेशन मिल जाएगा, AGM के बाद ये पेमेंट होगी। तो 15 पैसे पर इक्विटी शेयर ये डिविडेंड दिया गया है एट द रेट ऑफ जो इसकी फेस वैल्यू है ₹1 इसकी फेस वैल्यू है, जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए ये डिविडेंड दिया जा रहा है। AGM में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद इसकी पेमेंट होगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पॉजिटिव नज़र आ रही है। 30 डेज़ के जो कि 30 डेज़ के AGM के 30 डेज़ के बाद ये पेमेंट आपको मिलेगी, डेट ऑफ डिक्लेरेशन जो कि AGM में जैसे ही डिक्लेरेशन मिलेगी उसके 30 डेज़ के बाद ये चीज़ें आपको जो कि इसकी पेमेंट आपको मिलेगी डिविडेंड की। सो गाइज काफ़ी ज़बरदस्त कंडीशन में HFCL की बात करें एट प्रेजेंट तो काफ़ी ज़बरदस्त कंडीशन इसमें नज़र आ रही है। इसको अभी भी जो कि मौका है, अभी भी थोड़ा थोड़ा करके इसको इकट्ठा कर सकते हैं, एक बड़ा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। ₹65-60 के आसपास मिले तो एक आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, आप इसको थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करना शुरू कर दीजिएगा क्योंकि एक बड़ा जंप इसमें देखने को मिल सकता है नियर फ्यूचर। सो गाइज once again thanks a lot for watching this video, so please take care, please like, comment, share and subscribe. Thank you, take care.